क्या बीजेपी पाटीदार नेता हार्दिक पटेल से डर गई है? क्या बीजेपी के इशारे पर ही हार्दिक की रैली को रोका गया है? ऐसा हम नहीं बल्कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आरोप लगा रहे हैं। दरअसल हार्दिक पटेल की गांधीनगर में होने वाली जनसभा को डीएम ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस पर हार्दिक ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के दबाव में ही उनकी रैली को इजाजत नहीं मिली है। गांधीनगर की जनसभा कैंसिल होने के बाद हार्दिक पटेल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और साथ ही बीजेपी को घेरा। हार्दिक ने ट्विटर पर लिखा कि आचार संहिता लगने के बाद भी सत्ता का हुक्म चलता है। आज मेरी गांधीनगर में जनसभा है, कलेक्टर ने जनसभा की इजाज़त दी थी लेकिन भाजपा के प्रेशर से जनसभा की इजाज़त कैंसिल कर दी। एसआरपी से लेकर पुलिस को भी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हार्दिक की कथित सेक्स सीटी सामने आई थी जिसके पीछे हार्दिक पटेल ने बीजेपी का हाथ बताया था। माना जा रहा है कि हार्दिक आज की इस रैली में सेक्स सीटी कांड पर बीजेपी को जवाब दे सकते थे लेकिन इससे पहले ही डीएम ने उनकी रैली को कैंसिल कर दिया। वैसे गुरुवार को भी हार्दिक ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला था। हार्दिक ने अपने ट्वीट में एक कविता की तर्ज पर लिखा, श्री राम कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोडसे का मंदिर बनेगा, तंबू में राम विराजा जाएगा, मार न सका एक अंग्रेज को वो गांधी मार के हिंदू कहलाएगा, जो निभा न सका पत्नी से दूसरों की सीटी बनवाएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।